हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आ चुके हैं या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके बारे में, साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चार पार्ट आ चुके हैं। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम ये पांचवा पार्ट आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। आप जिस भी कंफर्टेबल हो उस पोर्शन को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जितनी भी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो देखना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्थापत्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये है खजुराहो। खजुराहो को स्थापत्य नगरी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं जो चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए थे, तो इस कारण इसे स्थापत्य नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत साझेदारी है? तो ये है 57% साझेदारी गुजरात के गांधी सरोवर बांध में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बंगाल खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनों की वर्षा होती है? तो दोस्तों, यह क्षेत्र है विंध्य पर्वत क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश का सबसे अभिन्न क्षेत्र है, इस पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनों की वर्षा होती है। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क खपड़ी पानी पहाड़ से निकाला जाता है जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है गौड़ जनजाति। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो ये है 23,012। 23,012 ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है खान नदी के किनारे। इंदौर शहर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो सेंट्रल इंडिया के नाम से ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भीम बैटिका के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? तो यहाँ के जो गुफा में शैल चित्र हैं इनके कारण भीम बैटिका प्रसिद्ध है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी में किस राज्य का अप्रवाह प्रतिरूप से पाया जाता है? तो दोस्तों, ये है अध्यारोपित प्रवाह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल व बाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों, ये है गौड़ जनजाति जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, इसमें घोटुल और बाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में धुआंधार जलप्रपात, कपिलधार जलप्रपात, दुग्धधारा और सहस्त्रधारा के प्रपात हैं? तो दोस्तों, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा और सहस्त्रधारा ये सभी जलप्रपात स्थित हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली फसलों का सही क्रम कौन सा है? तो ये है सोयाबीन, वीट यानी गेहूं, चना यानी ग्रेम और राइस। ये सभी फसलें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी सबसे ज्यादा चावल सोयाबीन का पैदावार होता है, उसके बाद गेहूं की पैदावार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, फिर चने की पैदावार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है और फिर चावल, इनकी पैदावार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लूं पेन का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर में। इंदौर में
ऋतु वेधशाला आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला स्थित है। दोस्तों बात आई है इंदौर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंदौर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या और वृद्धि वाला जिला भी इंदौर ही है। एकमात्र शहर है मध्य प्रदेश का जहां पर IIM और IIT दोनों स्थित हैं। दोस्तों इसके अलावा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में ही स्थित है। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही स्थित है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल गोमेटगिरी भी इंदौर में ही स्थित है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग का कार्यालय इंदौर में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे इंदौर के बारे में, आपको इसके बारे में याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंगु वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? तो ये है विदिशा क्षेत्र में। सुंगु वंश के राजा अग्निमित्र का जो शासन था वह विदिशा क्षेत्र में था। अब दोस्तों बात आई है विदिशा की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट विदिशा के बारे में भी बता दें। दोस्तों विदिशा भोपाल संभाग का एक जिला है। विदिशा को प्राचीन काल में भेलसा के नाम से जानते थे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चने की फसल का उत्पादन भी विदिशा में ही होता है। दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं भी विदिशा में ही स्थित हैं। इसके अलावा ग्यारसपुर जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल है यह भी विदिशा में ही स्थित है। अशोक सम्राट सागर परियोजना भी विदिशा जिले में ही स्थित है। जैन तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली भी विदिशा ही है। तो आपको इतने इंपोर्टेंट फैक्ट विदिशा के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती जनसंख्या के अनुसार राज्य की सही जिलों का क्रम कौन सा है? तो ये है हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी और अलीराजपुर। ये जिले मतलब सबसे ज्यादा जो कम जनसंख्या है वह हरदा जिले में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या उमरिया जिले में है। उसके बाद श्योपुर में है, डिंडोरी और फिर अलीराजपुर। ये है मध्य प्रदेश की घटती जनसंख्या का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये महल इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंतिका था? तो इसका सही ऑप्शन है उज्जैन। उज्जैन का जो पुराना नाम है वह अवंतिका है। अब बात आई है उज्जैन की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट उज्जैन के बारे में बता दें। दोस्तों उज्जैन को उज्जैनी और अवंतिका इन दोनों नाम से जाना जाता है। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। शून्य का प्रथम बार उपयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा उज्जैन में ही किया गया था। दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यही उज्जैन में ही स्थित है और ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के उज्जैन से ही बहती है। दोस्तों इसके अलावा सिंहस्थ यानी कुंभ का मेला भी प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में ही लगाया जाता है। भ्रथरी की गुफाएं भी उज्जैन में ही स्थित है। दोस्तों उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। इतने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको उज्जैन के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 37.9% भाग पर सिंचाई होती है। पचमणी किस श्रेणी पर अव्यवस्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है महाद्वीप पर्वत श्रेणी पर पचमणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो यह है होशंगाबाद संभाग, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा संभाग है। अब दोस्तों होशंगाबाद संभाग जिसे अब नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है, इसमें होशंगाबाद, बैतूल और हरदा इन तीन जिलों को रखा गया है। अब बात करें अगर होशंगाबाद जिले की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इसके बारे में बता दें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी होशंगाबाद में ही स्थित है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल भी स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर होशंगाबाद में ही बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी के अभ्रक कारखाने में लगाया गया है। दोस्तों जो पचमणी है वह होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। दोस्तों प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व पचमणी में ही स्थित है। धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 1350 मीटर है, यह भी होशंगाबाद में ही स्थित है। तो इतने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको होशंगाबाद के बारे में याद रखने हैं। इसके अलावा और भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयले की खाने किस कल्प की हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गोंडवाना कल्प की। कोयले की चट्टाने मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश देश के किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों सोयाबीन फसल का उत्पादन मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम और विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश एशिया का और मध्य प्रदेश का एशिया का प्रथम विश्व का तीसरा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है बेतवा। बेतवा मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। अब बात आई है ग्वालियर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको ग्वालियर के बारे में बता दें। ग्वालियर का पूर्व नाम गोमपांचल है। दोस्तों तानसेन का मकबरा, सास बहु का मंदिर ये ग्वालियर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश राजस्व मुख्यालय और महालेखाकार कार्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। गौस मोहम्मद का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में ही स्थित है। राजा मानसिंह तोमर और संगीत कला महाविद्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। एशिया का दोस्तों विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय भी, जिसे 2008 में विश्वविद्यालय बनाया गया था, यह ग्वालियर में ही स्थित है। ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने कराया था, जो हमने इसी वीडियो के पहले क्वेश्चन में देख लिया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको ग्वालियर के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राई। राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये है रतलाम। रतलाम अफीम उत्पादन हेतु सबसे प्रसिद्ध जिला है। दोस्तों बात आई है रतलाम की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इस जिले के बारे में बता दें। उज्जैन संभाग का एक जिला है रतलाम। दोस्तों रतलाम की स्थापना कैप्टन वॉर्थविक ने 1829 में की थी। हुसैन टेकरी लाइलाज बीमारी के लिए प्रसिद्ध है, रतलाम में ही स्थित है। रतलाम को सेब की नगरी भी कहा जाता है। अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको रतलाम के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये है राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो पचमणी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों ये एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश निम्न में से कौन सा भाग है? तो दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से। तो आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज अभी इसका पांचवा पार्ट है, कम से कम इसके 10 पार्ट होने वाले हैं। तो आप ये सीरीज देखना ना भूलें, क्योंकि आपके जितने भी एक्सपेक्टेड ओल्ड पेपर क्वेश्चन है उनके बारे में हमने इसमें चर्चा की है, और जो भी आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किए हैं, जो आने वाला वीडियो है उसमें ऐड कर देंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत लोगों से शेयर करना है और चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।